आज हम एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रपोजल है इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजन्स जो सारी सिटीजन्स पर अप्लाई होता है इक्वली रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। करेंटली पर्सनल लॉज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज जो है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर गवर्न करते हैं। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो होते हैं वो होली टेक्स्ट को बिलोंग करते हैं जिसमें इनकी टीचिंग्स स्टोरीज एंड बिलीव्स होते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना ये नेशन का एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेज रहा है। पर्सनल लॉज पब्लिक लॉज से अलग होते हैं और ये मैरिज डाइवोर्स इनहेरिटेंस एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस को कवर करते हैं। इसमें अब मैं ऐसे चेंजेस को एक्सप्लेन करना चाहूंगी जो प्रेजेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी के समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज को सामने लाया जो आगे चलकर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बना। 2016 में द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसमें बहुत सारे चेंजेस इंक्लूडेड किए गए रिलेटेड टू पर्सनल लॉज। ये चेंजेस जैसे कि मैन एंड वुमेन दोनों की जो मैरिज एज को मिनिमम एज से बढ़ाना, एबॉलिशिंग पॉलीगेमी, इस लॉ में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को अगर दूसरी शादी करनी है तो उन्हें डिवोर्स पिटिशन लेकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, वुमेन्स को इक्वल राइट और विरासत का अधिकार देना। अब मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगी। डिबेट ऑन यूसीसी तब स्टार्ट हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था और यही लॉ आज भी है जो जुडिशरी एंड पॉलिटिकल क्लास ने लाया था। इसमें फिर से एक इशू सामने आया है एट द फोरफ्रंट ऑफ पब्लिक डिबेट विद द रीसेंट जजमेंट ऑफ शाहबानो केस जो 3 तलाक को इनवैलिडेटेड कहता है। पर इससे पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़े इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीकल्चरल पॉलिटी, इसमें एक से ज़्यादा कल्चरल पॉलिटिक्स सिस्टम की व्यवस्था होती है। इसमें हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिगिंस एट द कमिटी स्टेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। सब कमिटी ने सभी को ये टास्क दिया था कि एक लिस्ट बनाई जाए रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल होते थे। एक इनिशियल स्टेप सब कमिटी ने ये भी लिया कि उन्होंने मेंबर्स को ये रिक्वेस्ट किया कि वो खुद के पर्सनल ड्राफ्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के निकाले। इन द सबमिशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मुंशी एंड मीनू मसानी हम ये पाते हैं कि कुछ प्रोविजंस एडॉप्शन में लिए गए रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। और सेम टाइम पर सब कमेटी ने ये आइडिया स्प्लिट करती है कि फंडामेंटल राइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए। फंडामेंटल राइट्स वो है जो बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम को गारंटी करते हैं हर एक सिटीजन को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, विच इज जस्टिसिएबल राइट्स एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। जस्टिसिएबल राइट्स वो होते हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ से इन्फोर्स्ड हुआ करते हैं और इसमें सभी राइट्स टिपिकली कॉन्स्टिट्यूशन में रेलेवेंट होते हैं। नॉन जस्टिसिएबल राइट्स वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होते हैं लेकिन इसका लीगल फ्रेमवर्क कोर्ट्स में एनफोर्स नहीं किया जाता है। इसके बाद सब कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेरेंट कमिटी द एडवाइजरी कमिटी को सेंड कर दी विद द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो 2 पार्ट्स में स्प्लिटेड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सेकेंड पार्ट में इंक्लूडेड होता था जो नॉन जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स पर रहा। मेजॉरिटी ऑफ सब कमिटी को ये लगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रोविजन एक बेहतरीन सम्मेलन था एज नॉन जस्टिसिएबल राइट।
इसके एक साल बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऑन द 4th नवंबर 1948 में उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया टू द असेंबली फॉर डेलिबरेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनी जगह मिली जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एस ड्राफ्ट आर्टिकल 35 में मिली। टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल ये था कि भारत के समस्त क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। सून आफ्टर ड्राफ्ट आर्टिकल 35 को वोट के लिए रखा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल एडॉप्ट करके उसे रीनंबर्ड एज आर्टिकल 44 से रखा गया इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े कुछ केसेस सामने आए थे जो कि इस लॉ को इम्प्रूव और बेटर बनाने के माध्यम से इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इन्हीं केसेस ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें सबसे पहला हम केस देख सकते हैं जो कि शाह बानो का है। इस केस में 1985 शाह बानो ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था फॉर सीकिंग मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जहां पर उसके हस्बैंड ने उसे 40 इयर्स के बाद 3 तलाक दिया और फिर बाद में उसकी हिफाजत के लिए मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के फेवर में थी और उन्होंने सेक्शन 125 अप्लाई किया था ऑफ द इंडियन क्रिमिनल कोड, जो सारे सिटीजन पर लागू होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड ने ये ऑब्जर्व किया कि कॉमन सिविल कोड हेल्प करेगा इन नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग डेस्परेट लॉयल्टीज टू लॉ, और इसी वजह से कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्टेड कर दिया टू फ्रेम यूसीसी। उसी तरफ ये देखा गया कि राजीव गांधी गवर्नमेंट कोर्ट के डिसीजन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। इस एक्ट में ये मेंशन किया गया वुमेन को ये राइट दिए गए जो उनकी अनुरक्षण में शामिल थे, और ये राइट्स बस 3 मंथ्स के लिए रखा गया। डिवोर्स होने के बाद उनका जो अनुरक्षण वो उनके रिलेटिव्स पर शिफ्ट कर दिया गया। सरला मुद्गल केस, ये एक सेकेंड इंस्टेंस रहा जहां सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया अंडर आर्टिकल 44 इन द केस ऑफ सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या हिंदू हस्बैंड की जो मैरिज है वो हिंदू लॉ में इस्लाम में एम्ब्रेस की जाएगी एज अ सेकेंड मैरिज। इन 1995 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इस्लाम को एडॉप्ट करना सेकेंड मैरिज के बाद एक अब्यूज माना जाएगा इन पर्सनल लॉस। इस केस को वर्डिक्ट में डिस्कस किया गया एज एन इशू ऑफ बिगामी। ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति एक टाइम में 2 मैरिज करता है तो उसे बहुत सारे कंट्रीज में इलीगल माना जाता है, और अगर कोई हिंदू मैरिज के बाद इस्लाम मैरिज करता है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 494(5) ऑफ द इंडियन पेनल कोड। जॉन वल्लमट्टम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, द प्राइस फ्रॉम केरला जॉन वल्लमट्टम, इन्होंने एक पिटिशन फाइल की इन द ईयर 1997, जिसमें सेक्शन 118 में इंडियन सक्सेशन एक्ट जो था वो डिस्क्रिमिनेटरी था अगेंस्ट द क्रिश्चियंस और ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है। इस केस में ये इशू आया कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के मुद्दे को उठाया जाए या फिर इसके बारे में कोई कार्यवाही की जाए। केरला पोस्टर जॉन वल्लमट्टम ने ये रिक्वेस्ट की कि ये जो पिटिशन है इन 1997 की स्टेटिंग दैट इंडियन सक्सेशन एक्ट ने डिस्क्रिमिनेट किया है क्रिश्चियंस के खिलाफ जाकर, जो कि वैलिड रीजंस पर लागू नहीं होता है, और प्रॉपर्टी को डोनेट करने में ये स्वीकार नहीं करते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीवी खरे, जस्टिस एसबी सिन्हा एंड जस्टिस एआर लक्ष्मण ने ये डिक्लेयर किया कि ये अब केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे लागू नहीं किया जाएगा। अब मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूंगी। सभी लोगों को इसमें इक्वल राइट्स मिलेंगे और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
हमारा नेशन जो है वो यूनिटी में रहेगा इन वेरियस कम्युनिटीज। कंट्री जो है वो न्यू फोर्स के पावर के साथ मर्ज होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से इंडियन लीगल सिस्टम सिंप्लीफाई होते हैं, बर्डन ऑन जुडिशरी पे डिक्रीज हुआ जाता है, डाइवर्स पर्सनल लॉज को यूनिफाई करते हैं जो सोशल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, कोई भी जजमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और लीगल एम्बिग्विटीज को अवॉइड करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।